कपड़े अनिरुद्ध बौद्धता के लिए एक और चीज है, पर साबुन किस डब्बे में होगा? इस डब्बे में या उस डब्बे में? दुर्गा माँ का नाम लेकर डाल दिया जाएगा। ठाकुर, मुझे ना वो रूपा अच्छी नहीं लगती। मेरा भी मन कर रहा है कि चोटी खींच लो उस रूपा की और निकलवा दो से काम से। पर ठाकुर माँ के आगे कुछ बोल ही नहीं पाती। जाने दे, पति बाबू बीमार है उसके और तीन तीन बच्चे हैं। अगर काम नहीं करेगी तो घर कैसे चलेगा उसका? सबकी चिंता है आपको, जबकि आप खुद उदास हो। तुझे कैसे पता? सुबह सुबह आपकी बड़ी सी वाली मुस्कान देखी नहीं है। आपको याद आ रही है ना आपके सखा बाबू की? एक बात कहूं, हमें ना कोई देख नहीं रहा है। आपका अगर मन करे तो जाके एक बार खिड़की में आपके सखा बाबू को देख लीजिए। खा अपनी माँ की सौगंध, आज के बाद कभी अनिरुद्ध रॉय चौधरी से मिलने नहीं जाएगी। नहीं ठाकुर, मैं नहीं जा सकती खिड़की के पास। कसम दी है ना मुझे ठाकुर माँ ने कि सखा बाबू से मिलने नहीं जा सकती। कसम नहीं तोड़ी बौंदिता ने। बौंदिता दीदी, आप नहीं जा सकती पर मैं तो जा सकती हूँ। क्या तुझे बाहर दिखे मेरे सखा बाबू? अगर मैं कहूंगी कि उसके सखा बाबू नहीं खड़े तो उदास हो जाएंगी। हाँ हाँ दीदी, तेरे सखा बाबू खड़े हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सामने नहीं हो पर उनकी आंखें आपको ही देख रही है। मैं भी तो मन की आंखों से उन्हें देख रही हूँ। कपड़े और जबान हमेशा संभालना चाहिए औरत जात को। वैसे मानना पड़ेगा, जोर तो पूरा आदमियों वाला लगाती है कपड़े धोने में। ये क्या है? हकुमा, कपड़े धो रहे थे, गिर गया, फिर से धो लेती हूँ। अरे रुक, सारा पानी मुझ पर आ रहा है। पर ये सारे कपड़े आसमान की तरह नीले क्यों हैं? बादलों की तरह सफेद क्यों नहीं? कहीं तूने कपड़े धोने वाले साबुन की बजाय नील तो नहीं डाल दिया कपड़ों में? मुझे माफ कर दीजिए ठाकुर माँ।
निकालिएगा, दया कीजिए मुझ पर। दया तो मैं कर सकती हूँ लेकिन मूर्ख नहीं बन सकती। तू जा यहाँ से, तेरी नौकरी खत्म। नहीं नहीं ठाकुर माँ, मैंने ठाकुर माँ किनसे पूछा भी था कि वो कपड़े धोने वाला साबुन किस डब्बे में है, तो उन्होंने शायद मस्ती कर दी मेरे साथ। माफ कर दीजिए ठाकुर माँ, नौकरी से मत निकालिए, मेरे दो लल्ला एक लल्ली एक बीमार पति है। खड़ी हो, चल मेरे साथ। टापुर, टापुर, जी ठाकुर माँ। तुमने बताया था गलत डब्बा साबुन का? नहीं। सच बोल। नहीं ठाकुर माँ, मैंने नहीं बताया। एक आंसू बाहर नहीं आना चाहिए। पर ठाकुर माँ, जब ठाकुर कह रही है कि उसने नहीं बताया गलत साबुन का डिब्बा, तो फिर छोड़ दीजिए ना इसे, वो सही कह रही होगी। और आप सच बोलिए कि ठाकुर ने आपको गलत साबुन का डिब्बा बताया है, यह गलती आपकी है। आज मुझे चुप रहना पड़ेगा पंडिता, क्योंकि सच बोला तो ठाकुर माँ मुझे काम से निकाल देंगी और फिर मैं तुम्हारे साथ यहाँ ना रह पाऊंगा ना तुम्हें पढ़ा पाऊंगा। बोलो रूपा, किसकी गलती है? बस, सारा सच और झूठ जानती हूँ मैं। मैंने सुना था ठाकुर को कि वो रूपा को नौकरी से निकलवाना चाहती है, बोला था ना तूने? मेरा भी मन कर रहा है कि चोटी खींच लो उस रूपा की और निकलवा दो से काम से। नहीं पंडिता दीदी, ये मैंने नहीं किया, सच में। इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर तेरी आंखों में कौन सा काजल लगा था कि तू पहचान नहीं पाई कौन सा साबुन है कौन सा नील? माफ कर दीजिए मुझे। गंजे के हाथों में कंघी और औरत जात को माफी नहीं देनी चाहिए, नुकसान होता है उससे। बस तू निकल यहाँ से, जा। माफ कर दीजिए ना, आप तो जानती हैं ना, मेरे दो छोटे छोटे लल्ला हैं, एक लल्ली है, बीमार पति है। निकल यहाँ से। मोर की आवाज है ना? मोर का नाच बड़ा पसंद है मुझे, चलो देखें मोर का नाच। पर सासू माँ, मोर तो बारिश के मौसम में नाचते हैं, इस मौसम में कहाँ नाचेंगे? इंसान और मौसम कब बदल जाए क्या पता, समझो मौसम बदल गया, मोर नहीं तो मोर नहीं नाचेगी आज। रुक, नाच के दिखा। अगर तू मोरनी बन के नाची तो तेरी नौकरी बच गई। चाहती है कि ना आए तेरी नौकरी पर आज तो नाच। चाहे जो करना पड़े करूंगा, पर अपनी नौकरी बचानी होगी मुझे। जी ठाकुर माँ, मैं मोरनी बनकर नाचूंगी। आजा मैदान में।
ढक कर नाच। ऐसे कैसे नाच रही है? एक काम करते हैं, मोर के पंख लगा देते हैं तुझे, हैं? मोर पंख मेरे नकली बालों में लगाएंगी तो मेरे नकली बाल खींच ना जाए उससे। अगर ऐसा हुआ तो ठाकुर माँ को पता चल जाएगा कि मैं औरत नहीं आदमी हूँ। मैं लगा देती पलट। नहीं ठाकुर माँ। अरे लगाने तो दे। लगा देती हूँ मैं। ठाकुर ये इधर। मैं ये भी लगा लूंगी ठाकुर माँ। लगा ले। जहाँ भी चाहे जाए तेरे दामन पे, मगर एक दाग ना लगने पाए। भस्म हो जाऊं भले मैं आज ना तुझ पे आए। तोड़ दूंगा वो दीवारे तुझे जो कैद करे, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। बहुत बुरी है ये रूपा टापुर, और झूठी भी है। देखना खुद ठाकुर माँ इसे निकालेगी काम से और घर से। ये वादा है तुझसे तेरी बॉन्डता दीदी का। वाह सासू माँ, आप इंसान तो क्या, मौसम भी बदल सकते हो। सोच रही हूँ कि बौनता मेरे बारे में। अब जितनी जल्दी हो सके मुझे बौनता को बताना होगा कि मैं कोई रूढ़ीवादी रूपा नहीं, उसका सखा बाबू, और यहाँ उसकी पढ़ाई को जारी रखने के इरादे से आया। बहुत बड़ी झूठी है ये रूपा। ठाकुर माँ के सामने अच्छा बनने के लिए देखो कैसे ठाकुर को आज फंसा दिया। कल पता नहीं क्या करेगी, इसके मन में चोर जरूर है, पता लगाना होगा। ये नाड़ा कितना चुभ रहा है मुझे। पता नहीं औरतें सारा दिन कैसे कसी हुई साड़ी पहने रहती हैं। ये बार बार अपनी साड़ी ऐसे क्यों ठीक कर रही है, जैसे कुछ है इसकी साड़ी में जो चुभ रहा है ऐसे। अब ठाकुर माँ ये आटा किस बर्तन में रखना है, मेरा मतलब है किस डब्बे में रखना है। अकल होती तो मैं कहती कि रिमझिम के सर में भर दे। पर ये तो आटा है, कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए आटे के डब्बे में रख दे। वंदिता, रसोई से आटे का डब्बा तो लाकर दे इसे।
अरे ये आटे का नहीं अनाज का डब्बा है, आटे का डिब्बा तो ऊपर रखा है, जा जाके सही डिब्बा ले आ। ठाकुमा, हाँ यहाँ कुछ लिखा है। लिखा है? अक्षर भैंस बराबर है मेरे लिए। तूने तो कहा था कि तू पढ़ना लिखना नहीं जानती, फिर ये सब क्या है? मुझे तो शक हो रहा है तेरी कहानी पर कि तेरे दो लल्ला हैं, एक लल्ली है, पति बीमार है, सब झूठ है क्या? नहीं नहीं, झूठ नहीं है ठाकुमा, सच है। और मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ ठाकुमा, पढ़े लिखे मेरे दुश्मन पाप थोड़ी चढ़ा रहा है अपने सर पर। मैं तो बस बस हाथ घुमा रही थी आटे में। आप तो सोचा कि जब तक डब्बा ला रही हैं बॉम्बे का मालकिन, तब तक ऐसे ही हाथ घुमा घुमा कर कुछ कुछ चित्र बनाए जाए। विश्वास नहीं हो रहा तो आप मौलिका मालकिन से पूछ लीजिए ना, वो तो पढ़े लिखे हैं, देखकर बता देंगे अगर कुछ लिखा हो तो। अब पंडिता पढ़कर सारा सच जान जाएगी और ठाकुर माँ को कभी बताएगी ही नहीं कि क्या लिखा है। औरत जात को पढ़ने की और घुंघरुओं को बजने की इस घर में आज्ञा नहीं है। मैं नहीं चाहती कि बॉन्दिता एक भी अक्षर पढ़े। घर का काम काज तो ठीक से आता नहीं, पढ़ाई लिखाई कहां से आएगी तुझे? इस बार कर लेती हूँ तुझ पर भरोसा। ये कहाँ गया होगा अनिरुद्ध? पता नहीं आजकल दिन भर कहाँ गायब रहता है ये। इसके पेट में तो कुछ नहीं पचता है, इससे उगलवाती हूँ अब। बटुक माँ, तुम्हें पता है क्या तुम्हारे अनिरुद्ध दादा कहाँ है? नहीं वो तो नहीं पता, कि मुझे ना बहुत भूख लग रही है, आप मेरे लिए गरम गरम और गोल गोल लोची बनाइए ना, बैगन भाजा भी और जलेबी भी, और बेसन बनाना जैसे बॉन्दिता बॉन्दी बनाती थी। हाँ बिल्कुल, आज मैं बटुक को महाभोज कराऊंगी, ठीक है खुश? पता नहीं पेट है या कुआ, ना भी डालो भरता ही नहीं। क्या हुआ? अब नहीं नहीं महाभोज करना है ना। हाँ चल।
रहते थे, तभी उनसे ऐसी दुर्गंध आती थी, पर अभी यहाँ कौन खा रहा था चुपके? पक्का वो रूपा योगी यही तंबाकू छुपा होगा उसकी साड़ी में जो चुभ रहा था उसे, बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी। वाली किस्से से तू बाल बाल बचना अनिरुद्ध, तब इससे पहले कोई और गड़बड़ हो जाए जल्दी से पौमिता को समय रहते सच्चाई बतानी होगी और फिर उसे नोट्स भी दे दूंगा। चल तापुर जल्दी। तापुर तुझे पता है रूपा अपनी साड़ी में तंबाकू छिपाती है, खुद छिप कर खाती है और सामने मुंह पर बड़ी बड़ी बातें करती है। अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे रूपा की साड़ी खुल जाए और जब उसको साड़ी ठीक करनी पड़े और अंदर से तंबाकू की पुड़िया गिर जाए, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उसकी तंबाकू की पुड़िया बाहर गिरेगी और हम ठाकू माँ को वहां ले आएंगे, फिर समझेंगी ठाकू माँ कि तू सच्ची और वो रूपा झूठी, वो बस औरतों के बारे में झूठी झूठी बातें करती है ठाकू माँ का मन बहलाने के लिए। चल। कहाँ है बोंदता? नहीं, सीधा इसकी साड़ी पर हमला बोलेंगे, कैसे भी करके इसकी साड़ी अटकवानी है और टापुर जैसे इसकी साड़ी अटकेगी ठाकू माँ को झट से लेकर आऊंगी और उसका सच सामने लाऊंगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.